हाँ हेलो, इंस्टेंट रेसिपी विद सोनाली में सबका स्वागत है। और आज मेरे पास करी लिप्स है। तो इस करी लिप्स का हम क्या करने वाले थे, इसे हम माइक्रोवेव में अच्छी तरह से ड्राई करके लेंगे। ड्राई करने के बाद ये हम लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं किसी भी कांच की बॉटल में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस करी लिप को अच्छी तरह से वॉश करके लेंगे। वॉश करने के बाद इसे हम थोड़ा सा उसमें से जो पानी है उसे सुखा देंगे। यहाँ पे मैंने करी लिप्स को अच्छी तरह से वॉश करके लिया है और साइड में यहाँ पे मैंने एक नैपकिन लिया है, उस पर हम ये करी लिप्स इस तरह से फैलाएंगे। और दूसरा एक नैपकिन लिया है, टॉवल ले सकते हैं हम, और इस तरह से हम उसमें जो एक्स्ट्रा पानी है उसे निकाल देंगे। एक्स्ट्रा पानी निकालने के बाद अब हम फैन लगा के इसे 5 मिनट के लिए सुखाने के लिए रख देंगे। करी लिप्स का पानी जो था धोने के बाद रहा था वो फैन के वजह से अब निकल गया है। अब हम एक बोरोसिल का बाउल लेंगे, उसमें ये सारा करी लिप्स है वो डाल देंगे। अभी इस करी लिप की हमें पाउडर बनानी है और लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करना होगा ऐसे ही करी लिप, तो उसे अच्छी तरह से सुखा के लेना पड़ेगा। तो अब हम इस बोरोसिल के बाउल को माइक्रोवेव में रखेंगे। अब हम माइक्रो का बटन दबा के हाई पावर पे माइक्रोवेव को रखेंगे और 2 मिनट्स के लिए इसे अच्छी तरह से माइक्रोवेव करके लेंगे। माइक्रोवेव करने से हमारे जो करी लिप्स है वो अच्छी तरह से सूख जाएंगे। यहाँ पे 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम एक बार देख लेते हैं हमारे करी लिप्स में जो पानी का अंश है वो कम हुआ या नहीं। अभी थोड़ा सा लग रहा है तो हम इसे ऊपर नीचे थोड़ा सा करके लेंगे और फिर से उसे मिडल में रख के माइक्रोवेव में माइक्रो का बटन दबा के हाई पावर पे अब हम इसे 1 मिनट 30 सेकेंड के लिए लगा लेंगे। तो 1 मिनट 30 सेकंड के बाद शायद ये हमारे अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाएंगे, यानी अच्छी तरह से सूख जाएंगे करी लिप्स। ये करी लिप्स हम पूरा महीना भर भी अच्छी तरह से बाहर ही रख सकते हैं, फ्रिज में रखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ सकती इसे। तो टोटल हमने 3 मिनट 30 सेकंड का करी लिप्स को माइक्रोवेव करके लिया है। मैंने अभी बाउल को बाहर निकाला है। आप इसी तरह से सब्जी जब तड़का लगाते तब यूज़ कर सकते हैं ड्राई करी लिप्स। नहीं तो अब हम क्या करेंगे, मिक्सी जार में करी लिप को लेके इसकी पाउडर बनाएंगे और एक एक चम्मच हर सब्जी में डालेंगे। ये तो बहुत इजी होगा। और हम करी लिप्स ऐसे ही डालते हैं तो निकाल देते हैं खाते वक्त, लेकिन पाउडर डालेंगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा हमने करी लिप्स डाले हैं। अब हम इसे मिक्सी से निकाल लेते हैं और इसकी पाउडर कर लेते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने पाउडर बना दी है करी लिप्स की। ये बहुत दिन चलती रहती है, खराब नहीं होती। और यहाँ पे हमने करी लिप्स को माइक्रोवेव में अच्छी तरह से इसे ड्राई करके इसकी पाउडर बनाई है। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया पाउडर बन चुकी है। इसे आप किसी भी सब्जी में यूज़ कर सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद, थैंक यू।